गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मेन मैथ्स का चैप्टर वन का क्रैश कोर्स वीडियो देख लिया होगा, तो आज हम लोग चैप्टर वन का क्रैश कोर्स करेंगे, बट ये आपका मेंटल मैथ्स का है। ठीक है, मेन मैथ्स हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोग मेंटल मैथ्स का चैप्टर वन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जो आपका चैप्टर वन का है, इसमें भी वही सारे टॉपिक है जो आप मेन मैथ्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन उसको फिर भी आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें है राइट इन वर्ड्स। आप जानते हो कि यहाँ पे नंबर दिया गया होता है, उसका नंबर नेम लिखना होता है। दूसरा है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। सक्सेसर का मीन जानते हो आप, बाद वाला नंबर, आफ्टर, और प्रीडेसेसर मीन्स बिफोर, पहले वाला नंबर। थर्ड है आपका एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब विस्तार से, जहाँ हम लोग नंबर को लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब जो नंबर एग्जैक्ट हमारा नंबर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं। फोर्थ है आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर्स को छोटे से बड़े के रूप में अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर्स को बड़े से छोटे के रूप में अरेंज करते हैं। इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो टू से डिवाइडेड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं, और जो टू से डिवाइडेड नहीं होता है उसको ऑड नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में आपको करना क्या है, तो यहाँ आपको डिजिट दिया गया होगा, उससे आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जब भी हम लोग लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या करते हैं, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी नंबर्स नहीं, डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं विदाउट कॉमा। ठीक है, आपको हर डिजिट्स के बाद कॉमा दिखेगा, तो जब ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप बनाओगे तो यहाँ कॉमा का यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब सेवन्थ और लास्ट आप देख रहे हो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसको मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रही हूँ। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का पोजीशन होता है। नंबर में क्या होते हैं, बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, तो डिजिट्स जो हैं वो अपना प्लेस पे डिपेंड करते हैं, जैसे वंस हो गया, टेंस हो गया, तो वही होता है हमारा प्लेस वैल्यू कि वो नंबर किस प्लेस पे है। ठीक है, और फेस वैल्यू पता है आपको, वो नंबर इट्सेल्फ होता है, मतलब जिस नंबर का आपको फेस वैल्यू पूछा जाएगा वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो देखा आपने कि ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट है आपका राइट इन वर्ड्स, जहाँ मैंने बताया कि नंबर दिया गया होगा और नंबर नेम लिखना है। 5588 है, तो 5000 क्या हो जाएगा, 5588। ठीक है, 5588। नेक्स्ट है आपका 7906, जिसका हो जाएगा 7906। नेक्स्ट है 9004, 9004। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देख रहे हो, राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम। अब यहाँ नंबर नेम दिया गया है, उससे आपको नंबर लिखना है। ठीक है, तो क्या है, 4009 है, तो इसका हो जाएगा आपका 4009। ठीक है, यहाँ 100 और टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं, इसलिए जीरो लिखा गया है। ठीक है, बी आप देख रहे हो 3212, तो 3212, 5084, 5084। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख रहे हो, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया कि नंबर दिया गया होता है, उसको विस्तार से हम लोग लिखते हैं। विस्तार से मतलब कि उसको हम किस तरीके से रीड करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम लोग लिखते हैं। तो आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे कि 6132 है, तो 6132 में 6000 भी है, 100 भी है, और 30 भी है, और 2 भी है, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। ठीक है, तो 6000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 2। उसी तरीके से आप यहाँ देखोगे बी नंबर 9027, 9000 प्लस 20 प्लस 7, 8805, 8000 प्लस 800 प्लस 5। नेक्स्ट है आपका राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो
यहाँ पे क्या है 7000 प्लस 100 प्लस 7, इसको आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा 7107, तो आप यहाँ देख रहे हो 7107 लिखा गया है। यहाँ 6600, 10 और 6 को एक साथ हम लोग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 6616। नेक्स्ट आप देख रहे हो 4027, ठीक है। अब है आपका अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग नंबर्स को छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन है ये आपका 6381, 4863, 3861, 8163। इसका आपका आंसर हो जाएगा 3861, 4863, 6381, 8163। बी नंबर क्वेश्चन देख रहे हो आप, यहाँ पे 2781, 8271, 7821, 1872। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1872, 2781, 7821, 8271। सिक्स नंबर आप देख रहे हो क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, जहाँ पे हम लोग नंबर्स को बड़े से छोटे के रूप में अरेंज करते हैं। तो ए नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो 7249, 9427, 9724, 7942। इसका आंसर 9724, 9427, 7942, 7249। बी नंबर आप देख रहे हो क्वेश्चन 1188, 8118, 8811, 8181। इसका आंसर हो जाएगा 8811, 8181, 8118, 1188, ठीक है। अब सेवन नंबर आप देख रहे हो, आइडेंटिफाई द ऑड एंड इवन नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ आपको ऊपर में कुछ नंबर दिया गया, उससे आपको देखना है कि ऑड और इवन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नंबर टू से डिवाइडेड नहीं होता है वो ऑड है, और जो टू से डिवाइडेड होता है वो इवन है। और इसका एक और पहचान है कि जिस नंबर के एंड में, मतलब वंस के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो आपका ऑड नंबर होगा, और जिस नंबर के लास्ट में, मतलब वंस के प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो आपका इवन नंबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑड नंबर में क्या क्या लिखा गया है, 3129, 7085, 5537 और 6161। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर। इवन नंबर में आप देख रहे हो क्या है, 2224, 8080, 4652, 8888, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। यहाँ कुछ डिजिट्स दिया गया, मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स दिया जाएगा, उससे आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या है, 4572। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोगों ने डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वो हो गया हमारा 7542, और स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 2457, ठीक है। उसी तरीके से बी में आप देख रहे हो 8750, 5078, सी में 9876, 6789, डी में 6431, 1346, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। यहाँ जो डिजिट अंडरलाइन किया गया है उसको आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो ए में आप देख रहे हो 2, तो 2 किस प्लेस पे है, आप देख सकते हो यहाँ 1, 10, 100 के प्लेस पे ना, तो इसका प्लेस वैल्यू 200 हो गया और फेस वैल्यू 2 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिस नंबर के बारे में प्लेस फेस वैल्यू पूछा जाता है वो आपका वही नंबर होगा, ठीक है। तो 6 यहाँ 1000 के प्लेस पे है, तो 6000 और इसका फेस वैल्यू 6। 0 का मैंने बताया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 होता है। 3 का 300 और फेस वैल्यू 3। 2 का प्लेस वैल्यू 2, फेस वैल्यू भी 2। नेक्स्ट है आपका राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ प्रीडेसेसर। यहाँ आपको सक्सेसर और प्रीडेसर लिखना है। ये आप नंबर देख रहे हो, ये आपका नंबर है, इसका सक्सेसर और प्रीडेसेसर लिखा गया है। तो 6189 का प्रीडेसेसर हो जाएगा 6188, सक्सेसर 6190, 8230 का 8229 और सक्सेसर हो जाएगा 8231, 3009 का 3008 आपका प्रीडेसेसर हो गया और 3010 सक्सेसर हो गया। 9246 का प्रीडेसेसर 9245, सक्सेसर 9247, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका मेंटल मैथ्स का चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स वीडियो। इसको आपको बार बार रिवीजन करना है और समझना भी है,
ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके लिए मैथ्स पॉसिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।